हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म कैसे भरें। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। आपको क्या करना है, थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट के सर्विसेज पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एनुअल एग्जाम फॉर सबमिशन का लिंक दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट एग्जाम फॉर सबमिशन के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। उसके बाद हमें एग्जाम नेम एनुअल एग्जाम 2022 सेलेक्ट कर लेना है, यही ऑप्शन अकेला आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, एग्जाम टाइप प्राइवेट चूज कर लेना है। और उसके बाद कोर्स नेम, तो हमारा जो भी कोर्स नेम है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका भी जो भी है आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट, यहाँ पर पार्ट सेकंड चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्रीवियस एग्जाम ईयर, तो प्रीवियस एग्जाम ईयर 2021 है। जिन स्टूडेंट का हम फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर डालना है। अब ये एग्जाम रोल नंबर हमें कैसे मिलेगा, स्टूडेंट को प्रमोशन मिला था तो इस पर हमारा वीडियो आ चुका है कि प्राइवेट एग्जाम का रिजल्ट फाइनली जारी हो चुका है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आपको रोल नंबर कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद पार्ट वन पासिंग प्रमोटेड ईयर, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रमोटेड रोल नंबर, यानी जो रोल नंबर आपने यहाँ पर डाला है वही रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और अपना मोबाइल नंबर, जो भी फॉर्म भरते समय पिछले साल आपने डाला था वो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, वो आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी डाल लेते हैं तो यहाँ पर लिख के आ जाता है कि योर ओटीपी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, क्लिक द कंटिन्यू बटन टू सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहाँ पर हमें इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। सबमिट ओटीपी के राइट तरफ एक कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर हमें क्लिक अप कर देना है। ये देखिए हमारा प्राइवेट फॉर्म खुल चुका है 2022 के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। ये फाइनली यहाँ पर आपको एकेडमिक सेशन दिख रहा होगा, कोर्स नेम दिख रहा होगा, उसके बाद पार्ट सेमेस्टर दिख रहा होगा, उसके बाद सिलेबस दिख रहा होगा, उसके नीचे आपका नाम, रोल नंबर एनरोलमेंट आईडी, आपके फादर्स का नेम, आपको एक जगह आपका नाम हिंदी में भी लिखना होता है। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट हिंदी नेम, तो आपको यहाँ पर हिंदी में कैंडिडेट का नाम लिख देना है। उसके बाद में मदर का नाम लिख देना है, जेंडर आपका ऑलरेडी आ ही रहा होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना है DDMM YY के फॉर्मेट में। उसके बाद आपको रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन आपका कौन सा है। उसके बाद आपको डोमेसाइल चूज कर लेना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सब कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको सब कैटेगरी भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है, आधार UID, आपका 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर UID आपको डाल देना है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप किस मीडियम में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप आसानी से सिलेक्ट यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, आपकी कौन सी लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम आपकी कितनी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद प्रीवियस टोटल मार्क्स यहाँ पर आ नहीं रहा होगा क्योंकि आपको प्रमोशन दिया गया है। उसके बाद एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस टू फिल द एड्रेस करेक्टली, यहाँ पर एड्रेस आपको सही डालना है, आपका जो भी है एरिया पिन कोड के सहित आपको सारा कुछ
मकान नंबर इत्यादि डालना है, स्टेट आपको चूज कर लेना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, पिन कोड आपको सही डालना है बिल्कुल। उसके बाद यह देखिए सब्जेक्ट दिख रहा होगा, सब्जेक्ट आसानी से आप देख पा रहे होंगे। तो जन स्टूडेंट का हम बारे उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप आसानी से तीन सब्जेक्ट देख रहे होंगे, उसके बाद वाइवा देख रहे होंगे, और उसके बाद आपको चार में से एक सब्जेक्ट लेना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आ जाते हैं तो आपके सामने ऑप्शन होता है, इफ़ योर फोटो एंड सिग्नेचर नॉट शो प्लीज अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपका फोटो एंड सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है अपनी फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर स्टूडेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए क्या, यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें जहाँ भी आपका मोबाइल फोटो है आपको फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। जैसे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो वो ऊपर वाले खाने में आपका फोटो और नीचे वाले सिग्नेचर आ जाता है। उसके बाद हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म ऑफ प्राइवेट एग्जाम फॉर्म 2022, जहाँ पर अमाउंट टू बी पेड लिख कर आ रहा है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होता है, उसको आपको कहीं पर नोट कर लेना होता है, जैसे कि आसानी से आपको कोई आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ पर दिख रहा है कि अमाउंट टू बी पेड कितना अमाउंट लग रहा है इस बार, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट इस बार दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर अमाउंट की बात करें तो 2550 रुपये यहाँ पर अमाउंट लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा है अमाउंट टू बी पेड ₹2550, उसके नीचे जहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लिक हियर टू पे, तो आपको वहाँ पर क्लिक हियर टू पे के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑर्डर समरी आ जाता है, ये देखिएगा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, अमाउंट यहाँ पर ₹2550 टोटल। नीचे आपको ऑप्शन दिख जाता है डेबिट क्रेडिट कार्ड का, आप आसानी से अपना कार्ड नंबर डालकर, उसके बाद एक्सपायरी डेट मंथ ईयर CVV पिन डालकर, कार्ड होल्डर नेम डालकर आप आसानी से पे नाउ के जैसे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना ATM डिटेल डेबिट कार्ड डिटेल डालकर, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और जैसे आप उसे प्रेस करेंगे आपका फॉर्म फाइनली फिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा तरीका ऑनलाइन फॉर्म भरने का, प्राइवेट फॉर्म। जो भी स्टूडेंट गलती अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं तो उनको एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलती मत करें। और जैसे हमने बताया है आसानी से स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे फॉर्म भरेंगे तो आसानी से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आसानी से आप पेपर दे पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर आपको चैनल को लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।